नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कुछ कमेंट्स मेरे को आए थे सर के टीवीएफ का ये जो एस्पिरेंट नाम का सीरियल आया था इसके बारे में कुछ बात करिए। इस रिस्पेक्ट में दोस्तों, आपने ये सीरियल तो देख ही लिया होगा, बहुत सारे लोग देख ही रहे हैं, तो इस रिस्पेक्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। एक्चुअली मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस टीवीएफ ओरिजिनल एस्पिरेंट से ना सीखें। जो टीवीएफ एस्पिरेंट नाम का जो सीरियल आया है, इससे 5 ऐसी चीजें जो नहीं सीखनी है। पहली चीज, ओवर एम्फसाइजिंग ऑन कोचिंग। कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सीरियल में कोचिंग्स के ऊपर बहुत फोकस दिया गया है। ये दिखाया गया कि अगर आप कोचिंग कर लोगे तो आपको कुछ एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का पुश मिल जाएगा और आप कहीं ना कहीं एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। इस रिस्पेक्ट में एक टीचर जो कि गंदा पढ़ा रहा होता है या डीमोटिवेट कर रहा होता है, वो बाद में एकदम से मोटिवेट करने लगता है, क्योंकि कोई IAS आके बोल जाता है कि इस टीचर ने मुझे मोटिवेट किया। तो इस रिस्पेक्ट में बहुत ओवर एम्फसाइज किया गया कोचिंग्स पे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोचिंग खराब है और आप कोचिंग मत करो, भाई बिल्कुल करो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो करो, आप अपने टीचर्स को शॉर्टलिस्ट करो, आप अपने हिसाब से कोचिंग करो। बट जिस प्रकार का ओवर एम्फसाइजेशन यहाँ पे दिखाया गया कि भाई कोचिंग कर लो तो लाइफ झंझालाला बढ़ सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो पहला तो इस चीज़ से बचें। दूसरा, रिलेशनशिप्स। भाई इसमें रिलेशनशिप अलग ही प्रकार की दिखा रखी है। देखिए, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो ना, रिलेशनशिप नाम के शब्द से थोड़ा दूर ही रहो। यहाँ पे 2 किस्म के लोग हैं। एक, जिनका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, वो रिलेशनशिप में नहीं है। मैं आपको बोलूंगा कि बहुत लकी हो, ऐसे ही रहना एटलीस्ट जब तक UPSC की तैयारी करो। दूसरे लोग जो रिलेशनशिप में हो, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ समय के लिए अपनी रिलेशनशिप पोस्टपोन कर दो। यहाँ पे इस सीरियल से ये मत सीखने लगना कि उसने लड़की को छोड़ दिया तो उसने गलत किया, उसको साथ में लेकर चलना चाहिए था। भाई जब तक तैयारी कर रहे हो, अगर रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा पोस्टपोन कर दो। अगर पढ़ाई के लिए 1-2 साल आपकी बात ना भी हो किसी से, तो प्यार खत्म नहीं होता। जिसको करना होता वो बाद में उस कंडीशन पे भी कर ही लेगा। तो रिलेशनशिप्स को टोटली अवॉइड करिए, ये मेरा आपको सजेशन है। नेक्स्ट, कि भाई किसी दूसरे को कुछ अच्छा करने के लिए इन्फ्लुएंस करना, ये एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज है कि भाई कहीं ना कहीं वो गड्ढे खुदवा रहा होता है, ठीक है, किसी दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहा होता है, किसी दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहा होता है। ये बिल्कुल आप अपने आचरण में लाओ, लेकिन कोशिश करिए कि भाई अपनी प्रिपरेशन के समय पे इसको प्रैक्टिकल तरीके से अपनी लाइफ पे लागू ना करें। और एट द सेम टाइम आपने अपनी लाइफ में लागू नहीं किया, ये पैनल के सामने भी ना बोलें अगर आप इंटरव्यू पहुंचते हो तो। देखिए, आपके पास टाइम लिमिटेड है। कल की डेट में आप IAS IPS बन जाते हो, डेफिनेटली इसको अपनी जॉब में इंप्लीमेंट करना। नहीं बन पाते हो तो जिस प्रकार से भी जिंदगी जी रहे हो उस प्रकार से इंप्लीमेंट करना। लेकिन जब तक तैयारी कर रहे हो, अपना आचरण अच्छा रखो, अपना थॉट प्रोसेस को वाइड स्प्रेड करो, अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करो, बट ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए मत उतरो, क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है ना। तो सोशल मैसेज लीजिए, समझिए, आसपास अपना आचरण अच्छा रखिए, दूसरों की मदद करिए, बट उस हद तक ही करिए कि आपका नुकसान ना होने लगे, क्योंकि इस समय पे आपको अपनी तैयारी करनी। इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही मतलब ही हो जाना, दूसरों से जलने लगना, मदद मत करना, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। आप समझ गए हो, मैं ये जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो टाइम के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ। फिर चौथा प्लान, प्लान बी, कि भाई UPSC नहीं हुआ तो क्या करोगे। यहाँ पे 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो बैकअप चाहते, एक वो जो बैकअप नहीं चाहते। अभी इसके रिस्पेक्ट में मैंने पहले बात कर चुका हूं आपसे। देखिए, बैकअप जो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं डरते हैं, और डर जायज है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं भाई, हमको इसमें घुसना ही घुसना है। इस रिस्पेक्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपने गौरव अग्रवाल का नाम सुना होगा। 2013 वाला जो UPSC था, उन्होंने टॉप किया था। हांगकांग में शायद 2.5 या 3 करोड़ का पैकेज था, छोड़ के आके यहाँ पे नौकरी करने आ गए थे। अभी उस पर्टिकुलर इंसान ने 3 करोड़ का पैकेज छोड़ दिया यहाँ पे UPSC की तैयारी करने के लिए। UPSC निकाल ले गया दूसरे अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में IPS, दूसरे अटेम्प्ट में IAS और नंबर 1 रैंक। वहीं पे एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको इस बात की चिंता है कि UPSC नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा, जो कि सीरियल में दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं ये वैलिड आप कह सकते हो रीज़न है। तो प्लान बी, ये जो बैकअप वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर किसी और वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। बहरहाल, जो लोग घुस गए हैं इसकी प्रिपरेशन में और जो लोग 2 साल तक प्रिपरेशन करने का प्लान बना रहे हैं, एटलीस्ट शुरुआत के 1-1.5 साल तक तो यार कोई बैकअप मत रखो, सिर्फ पढ़ते रहो। क्योंकि देखिए, अगर किसी और एग्जाम की तैयारी अगर आप UPSC के साथ करते हो तो आपके UPSC के चांसेस कम होंगे, ये बात तो देखिए सही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आपके UPSC के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी इसके साथ कर रहे हो। तो इस रिस्पेक्ट में मैं कभी और आपसे बात करूंगा, बट सीधी सीधी बात है, अगर UPSC दिमाग में बैठ गया है तो फिर सिर्फ UPSC दो, एटलीस्ट 2 सालों के लिए। और इतना ज्ञान ले लोगे ना इन 2 सालों में कि उसके बाद कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई
एक चीज और, इस सीरियल में ना टीचर्स की पोजीशन को बहुत डिग्रेडिंग दिखाया गया है। ये जो एसके नाम के इसमें सर बने हुए होते हैं, इनको इनके दोस्त थोड़ा ह्यूमिलिएट करते हैं कि भाई तुम तो टीचर ही रह गए। देखिए टीचर्स की हालत इतनी भी ह्यूमिलिएटिंग नहीं है, मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, मेरे जैसे टीचर्स की नहीं, क्योंकि मैं अपनी कमाई के लिए इस यूट्यूब चैनल पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। ठीक है ना, अब तक तो मैंने अपने आप को इस चैनल पर डिपेंडेंट नहीं किया है। और टीचर्स के हालात आजकल बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बता दूँ कि एज अ टीचर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए मुझे जिस हिसाब का ऑफर मिला था, इट वॉज समथिंग विच आप कहते हो कि ना कि कोई बेवकूफ़ आदमी ही उसको रिजेक्ट करेगा। आज की डेट में एक आईएएस की जो सैलरी होती है उससे 10 गुना टीचर्स को ऑफर आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के लिए। तो टीचर्स को जिस हिसाब से यहाँ पे डिग्रेड किया गया है पैसों के मामले में, वो बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि मार्केट में जो टीचर्स हैं वो दो प्रकार की कैटेगरी में आते हैं, एक जो कि बहुत अव्वल दर्जे के हैं जो कि करोड़ों में कमा रहे हैं, और दूसरे वो जो कि आप कह सकते हो कि न्यू कमर्स हैं, बस घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस रिस्पेक्ट में जिस टीचर से भी आप पढ़ते हो, मैं आपको क्यों बताता हूँ, जिस टीचर से भी आप पढ़ते हो और जिसकी भी पढ़ाई आपको समझ में आती है उसकी रिस्पेक्ट करिए। ठीक है ना, रिस्पेक्ट इज द बिगेस्ट थिंग। किसी भी टीचर से आप ज्ञान ले रहे हो, एटलीस्ट रिस्पेक्ट हिम। दिस शुड बी, मतलब मैं यही बोलूंगा आपसे, दिस मेरा तो यही राय होगी आपको, क्योंकि अगर आप टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर पाए तो आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे इस सीरीज में अच्छी नहीं लगी, बाकी सब चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी हैं। एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा इस सीरियल का, अगर आपको कुछ बहुत बड़ा पाना है ना तो आपको सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। ठीक है, और सेक्रीफाइस की कीमत बड़ी होती है। किसी भी चीज़ को पाने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जो लोग समझदार हैं वो इस बात को समझ गए होंगे। एंड में इस पर्टिकुलर सीरियल में एक ही बंदा सक्सेसफुल मिला निकला और उसने कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस दिया। आपको भी अपने प्रिपरेशन के समय पे ऐसे बहुत से सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे अलग अलग फील्ड में। हर चीज़ को एक साथ टटोल के नहीं चल पाओगे, ये बात हमेशा याद रखना। तो आई होप कुछ ना कुछ सीखने को मिला। गुड बाय।